यस, आई एम ए होटेलियर। क्या मुझे ये टैग अपने आप को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मतलब गाइस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज़ माई पर्सनल थाट्स। ठीक है, सब लोगों का डिफरेंट डिफरेंट थाट्स होगा, एक्सपीरियंस होगा, सबका अपना अलग अलग होता है। सो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे पर्सनल थाट्स हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ आज, कि आपको इंडिया में काम करना चाहिए या बाहर काम करना चाहिए। मैंने इंडिया में काम किया हुआ है 5-6 साल, बाहर भी काम किया 4-5 साल। ठीक है, सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिखाऊँ, मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपको कहाँ करना चाहिए। आप प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, एंड आई वॉन्ट टू नो कि आप क्या सोचते हो, आपके क्या थाट्स हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कि आप जो अभी सिचुएशन में हो, तो आई वॉन्ट टू नो योर थाट्स। और जो भी लोग ऑब्वियसली जी है, जो अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो यू आर अ होटल या अपने होटल्स में या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो आई वॉन्ट टू नो योर थाट्स कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या वही चीज़ है जो मैंने फेस की है, अभी भी वही चीज़ है या नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। सो देखो गाइज, हम डिप्लोमा डिग्री करते हैं, एग्जाम्पल हम 7-8 लाख रुपये खर्च करते हैं अपने, मतलब डिप्लोमा डिग्री के ऊपर। डिप्लोमा का अलग रेट है, डिग्री का आई नो दैट। सो ये किसी ने प्राइवेट से किया होता है, किसी ने स्टेट गवर्नमेंट से किया होता है, सब लोगों का अपना अलग अलग होता है। किसी का 2-3 लाख लगता है, 4-5-7-8 लाख रुपये, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, हम 7-8 लाख रुपये हमने अपने कोर्स में खर्च किया। स्टार्टिंग से हमारी सैलरी कितनी मिलती है हमको? 10,000, 12,000, 13,000, दैट्स इट। मतलब हमने यार इतना खर्च किया है पैसे में एक कोर्स करने में, और हमको सैलरी मिलती है 10-12 हज़ार रुपये। सबसे पहले इंसान का मॉरल डाउन वहीं पे ख़त्म हुआ कि भैया हमको सैलरी ही ढंग की नहीं मिलती यार। एटलीस्ट इंडिया में एक होटेलियर्स के लिए, चाहे होटेलियर्स नहीं, जितनी भी लाइन से, एक फिक्स्ड इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिक्स सैलरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कि भाई सही है, आपने कोर्स किया हुआ है, चाहे नहीं भी किया हो, कोई भाई हर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं होता, एक फिक्स्ड इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक इंसान नहीं भी पढ़ा हुआ तो एटलीस्ट 15,000 रुपये से स्टार्टिंग होनी चाहिए। चाहे एक मजदूर भी सही हो, तो आपका 15,000 होना चाहिए। एक कार टेक्नीशियन, जो भी, 15,000 से एटलीस्ट स्टार्टिंग होना चाहिए आजकल के हिसाब से, बिकॉज जो खर्चे हैं, एटलीस्ट 15,000 तो होना चाहिए। बट फिर भी हम 7-8 लाख रुपये खर्च करते हैं, हमको मिलती है 10,000-12,000 रुपये। मेरे को मिली थी 2013 में 11,000 रुपये। मैं भी बड़ा, मतलब यू नो, मॉरल डाउन हुआ था मेरा कि भाई 11,000 रुपये, इतना पैसा खर्च करने के बाद हमको सैलरी मिल रही 11,000 रुपये, ये तो कहीं का सेंस बनता नहीं है। बट फिर भी हम लोग कर रहे होते, बिकॉज हमारे पास और कोई सोर्स नहीं होता है और कुछ हम कर नहीं सकते हैं। बट अपने अपने लोग, यू नो, काफ़ी लोग जो है लाइन भी चेंज कर लेते हैं इस चीज़ को सोच के, भाई इतना पैसा खर्च किया, लाइन नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट देखो, ठीक है, पहली बात सैलरी होना, मतलब पहली बात तो इंडिया के अंदर काम करा है मैंने, होटल्स के अंदर सैलरी नहीं है। पहली बात होटल्स में सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, देखो सबका अपना अलग अलग थॉट्स होंगे, एक्सपीरियंस होगा, दिस इज माय पर्सनल, तो मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, आपका जो कुछ है, आई वांट टू नो योर थॉट्स। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग क्या सोचते हो, किस चीज़ से गुजर रहे हो। होटल्स में मैंने स्टार्टिंग में होटल्स में भी काम किया है, ठीक है, एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी में सेलेक्ट हुआ था, मैंने QSR में भी काम किया, हर जगह मैंने काम किया हुआ, वो डिफरेंट वीडियो में बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं। बट अभी जो चीज़ें वो है कि आपको इंडिया में काम करना चाहिए बाहर, इस चीज़ के बारे में बात करते हो। इंडिया में आपको पहली बात सैलरी आपकी कोई फिक्स नहीं है, सैलरी आपको कम मिलती है। टाइमिंग का भी कोई वो नहीं, अगर टाइमिंग आप करते हो 9 घंटे की एटलीस्ट होनी चाहिए, अगर 9 घंटे से ज़्यादा करते हो आपको एटलीस्ट ओवर टाइम मिलना चाहिए, जो कि होटल्स में नहीं मिलता है, जो कि मुझे भी नहीं मिला था। ठीक है जी, तो ठीक है, नहीं मिला 12 घंटे से भी, 15-15, मतलब एक फिक्स चीज़ नहीं है, 15-15 घंटे काम करो, 17-17 घंटे काम करो, भाई उतना काम करो तो एटलीस्ट उतनी सैलरी भी तो दो आप। ठीक है, और पहली बात इतना काम क्यों करें, 9 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से आप 9 घंटे ही दो हमें, और अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। हमने 7-8 लाख रुपए खर्च किया, लेकिन कोई वैल्यू ही नहीं देते हमें। मतलब इससे बड़े तो भैया कोर्स ना करके तो 7-8 लाख रुपए मैंने कहीं और खर्च किए होते बिजनेस में, कहीं पर भी, तो अलग ही वो होता। 7-8 लाख रुपए बहुत होते हैं गाइस। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने से भी काफ़ी लोगों ने किए होंगे, 2-3 लाख, 3-4 लाख, 5-6 लाख, जो भी है। ठीक है, बट एटलीस्ट सैलरी तो अच्छी मिलनी चाहिए ना कि स्टार्टिंग पे। ठीक है, हम 7-8 लाख रुपए खर्च करें तो हमको स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी, बट ये सब कोई सिस्टम है ही नहीं होटल्स लाइन में, होटेलियर के लिए। ठीक है, फिर टाइमिंग का तो भूल ही जाओ। आज मेरे कितने फ्रेंड्स हैं भाई, उनको फ़ोन करो, भाई होटल में हूँ, 15-15 घंटे, मतलब कोई भी ना कोई छुट्टियाँ, ठीक है ना, कोई मतलब टाइमिंग टेबल कुछ भी नहीं है। फिर मैनेजमेंट अलग प्रेशर डालता है कि भैया वो दुनिया भर की गालियाँ देते, दैट इज़ डिफरेंट थिंग्स, होटल लाइन में तो खैर होता ही है। ठीक है, तो मैंने स्विच कर दिया रेस्टोरेंट लाइन में। रेस्टोरेंट में काम किया तो रेस्टोरेंट में भी थोड़ी सी सैलरी इंक्रीज हुई अकॉर्डिंग टू द होटल। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट है काम करने का, होटल्स में बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से होता है, रेस्टोरेंट में थोड़ा सा डिफरेंट,
वो दोनों लाइन अलग अलग है, सही है, ये रेस्टोरेंट है, ये होटल है, डिफरेंसेस बहुत है, ठीक है। फिर मैंने बाहर गया कुवैत में काम करने, तो भाई पहले मैं बहरीन में गया था, फिर उसके बाद कुवैत में, तो यार क्या मुझे बात ज़्यादा पसंद है। मैंने कुवैत में होटल्स में नहीं काम किया, रेस्टोरेंट में काम किया है, बट बहुत ज़्यादा सैलरी अच्छी मिलती है वहाँ पर। सबसे पहले गए, अगर आप बाहर काम करते हो वहाँ पर फिक्स्ड इनकम है आपकी, मतलब एक कोई फ्रेशर बंदा भी जाता है, अगर आप थोड़े से कम पढ़े लिखे भी हो, नॉर्मली आपको एक ड्राइविंग भी आती है या कारपेंटर काम आता है, तो आपको 130 KD सैलरी मिल जाएगी। मतलब इंडिया के हिसाब से 25,000 आपकी इज़ अ स्टार्टिंग सैलरी होती है हर बंदे की, मतलब उससे कम, 25,000 से कम आपको मिल ही नहीं सकती, बिकॉज एक फिक्स इनकम उन्होंने रखा हुआ है। बट यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं, 8,000 में भी लोग काम करते हैं, 10,000 में भी, 7,000 में भी, 5,000 में। इंडिया में ये सब सिस्टम है ही नहीं, मैं इंडिया को गलत नहीं कह रहा, सिस्टम को गलत कह रहा हूँ, ठीक है। सो अब बात करते हैं भाई, तो आपको अगर फ्रेशर हो तो 130 KD 120 KD आपको मिल जाएगी फ्रेशर में, चाहे आप कॉमी 3 हो या मतलब ऐसा स्टीवर्ड हो या बरिस्ता हो, ठीक है। उसमें फिर आपको कंपनी अकोमोडेशन देगी, ट्रांसपोर्टेशन देगी, फूडिंग भी एक टाइम का दे देगी या फूडिंग का एक्स्ट्रा पैसा भी देती है। यू कैन चेक आउट माई प्ले लिस्ट होटल एलियस लाइफ करके, वो वहाँ पे और बहुत सारी वीडियोज लेके आने वाला हूँ। प्लस में आपका पैसा सेव होता है, अगर आप ओवर टाइम करते हो तो भैया ओवर टाइम का पैसा आपको मिलता है, जो कि होटल्स लाइन में आप शायद मिलता हो, आई डोंट नो। अगर कोई कर रहा है, कुछ सफ़र कर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे बताएं, ताकि आई वांट टू नो कि अभी क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और मतलब वहाँ पर एक प्रॉपर तरीका है, वहाँ पर बातचीत करने का तरीका है बंदों को, लेकिन यहाँ पर इंडिया में गाली गलौज, यू नो, वो सब सिस्टम होता है यार, हर कोई से मतलब गाली सुनने के लिए नहीं आया, बात कर रहे हो, प्रोफेशनल हो तो अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। कभी एक बार भीड़ भड़क काम है, और मतलब जब भसड़ होती है होटल लाइन में, तो ये चलता है, भसड़ में चल रहा होता है तो समझ जाता है उस टाइम भी थोड़ा सा प्रेशर होता है, बट बाहर इतना प्रेशर नहीं है काम का जो मैंने फील किया है होटल, मैंने होटल लाइन में नहीं किया लेकिन रेस्टोरेंट में मैंने किया है, अच्छे से अच्छे भाई, मतलब खतरनाक से खतरनाक रेस्टोरेंट में। मुझे मालूम है 12 घंटे की ड्यूटी मैंने भी करता था, मेरी फिक्स 12 घंटे की ड्यूटी थी, गए वो 12 घंटे ऐसे होते थे ना मेरे, मतलब इंडिया में तो मैंने ऐसे कभी काम नहीं किया, मैं मतलब बता ही नहीं सकता। वो 12 घंटे मैंने इंडिया, अगर मैंने एक होटल में 5 स्टार में 17 घंटे काम किया था ना, मुझे अभी तक याद है, 17-18 घंटे काम किया था, वो 12 घंटे मेरी लाइफ के मतलब आप 24 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो, इतना ज़्यादा बिजी। एक घंटे का जो ब्रेक मिलता था ना, 4 महीने तक मैंने एक घंटे का ब्रेक भी नहीं लिया था, मैंने क्या, और भी जो स्टाफ था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, वी हैव अ लैक ऑफ स्टाफिंग, तो दैट्स वाई हमने ब्रेक नहीं लेते थे, बिकॉज हम समझते थे और हमें मज़ा भी आता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती थी जो कि वहाँ पे काम करने में जो इतना मज़ा आने लगा है। मुझसे कोई पूछेगा कि कहाँ काम करना चाहिए, तो मैंने ट्विटर में एक दिन हमारी बातें हो रही थी ट्विटर स्पेस में, तो इसलिए कहता हूँ प्लीज़ फॉलो मेरे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, सब वहाँ पे हम ट्विटर स्पेस में बातें करते रहते हैं। तो ऐसा मतलब इतना मज़ा आता है ना बाहर काम करने में, अगर अगर कोई बाहर से देख रहा है, मतलब आउट ऑफ इंडिया से, तो प्लीज़ अगर आप होटल्स में काम करते हो, आई वांट टू नो योर सजेशंस कमेंट्स में, कि आपका आपकी क्या फीलिंग है गाइस, रियली आई वांट टू नो योर सजेशंस, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई कि क्या चीज़ है, मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है। बिकॉज ऐसा होटल या मतलब बहुत सारे चेंजेस होने इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा चेंजेस होने चाहिए इंडिया इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, इन टर्म्स ऑफ बिहेविंग विद द स्टाफ, और बहुत सारी चीज़ें, यू नो। सो इसीलिए मैंने होटल लाइन से स्विच करके रेस्टोरेंट लाइन में चला गया। सो या देर आर सो मैनी वीडियोज, इट विल बी कमिंग सून, सो लेट्स सी। आई बस दिस इज माई पर्सनल सजेशन, तो स्टार्टिंग तो कॉमी 3 और स्टीवर्ड्स की 120 से 130 KD हो जाती है, डिपेंड्स आपके पास एक्सपीरियंस कितना, फिर धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती है। चेकआउट माई प्ले लिस्ट गाइज, और या दिस इज द वीडियो ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, जो था सबका अपना अलग अलग है, बस यही। आई होप कि ये वीडियो यहाँ तक देखिए, तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, आज के लिए बच्चे।